तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ यहाँ जहाँ HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुक करी थी मैंने। जिस जगह पर मैंने करी थी होंडा एजेंसी पे, तो मेरी प्लेट यहाँ पर आ गई है। हमें जहाँ का अपॉइंटमेंट मिला था आज हम वहाँ पर आ गए हैं। स्कूटी के लिए हमने करी थी। यहाँ देखिए सब लोग खड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताऊँगा कैसे लगती है पूरी प्लेट। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से सेकंड ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सबको समझ में आएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर देने हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सजैन, आप देख रहे हैं सजैन मेंटर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे ही पहुंचोगे, आपका जहां अपॉइंटमेंट बुक हुआ है, आपको अंदर जाने के पड़ेगा सबसे पहले। और वहां पर आपको वो रजिस्टर पर आपका नाम वगैरह लगवाएंगे और आपको बता देंगे काउंटर कहाँ है, कि आपको कहां पर मिलेगी। आपकी नंबर प्लेट जो आ गई है, आपने अपॉइंटमेंट करके जो मंगाई है, वो सीधे उनके पास आ जाती है, एजेंसी वालों के पास, जहाँ आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है। उसी के हिसाब से वो आपको बता देते हैं कहाँ पर मिलेगी आपको अंदर जाकर उनके कैबिन में। और उसके पहले वो वहाँ पर सैनिटाइज़ करते हैं, मास्क वगैरह चेक करते हैं। तो सब लगा के जाइएगा, क्योंकि कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए आपको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन प्लेट दे देंगे आपके हाथ में और आपसे कह देंगे कि अपनी गाड़ी पे लगवा लीजिए। उनके साथ दो आदमी आते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ दो आदमी जो काम कर रहे हैं वो वही आदमी है, दूसरों की नंबर प्लेट लगा रहे हैं। आपका जिस टाइम नंबर आएगा उसी टाइम आपको भी लगवाना पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी नंबर प्लेट वगैरह सबसे पहले लोग हटाते हैं नंबर प्लेट, फिर उसके बाद गाड़ियों पर लगाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की फ्रेम भी आती है, जिसका प्राइस 100 रुपये वहाँ पर लगता है या 150 रुपये भी तक लग सकता है। तो उसके हिसाब से वो वहाँ पर लगवा सकते हैं, आप हटवा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लगवाना। अगर आपको लगवाना लगा सकते हो, उससे मजबूती ज़्यादा आती है। चलिए, जैसे कि मैंने नहीं लगवाई है, अभी हमारी गाड़ी पे भी लगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बाइक पे अभी देखिए इनका जो स्क्रू है वो टाइट था, तो खोल नहीं रहा था, तो यहाँ पर इन लोगों ने काटवा दिया है ये एक प्लेट की वजह से। अब आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अब ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट इनकी गाड़ी पे लगाएंगे। सिर्फ एक मिनट का काम है दोस्तों। आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ लग गई है। अब देखते जाइए, धीरे धीरे लगती जा रही है। देखिए, उन लोगों ने आगे वाली भी हटा दी है। आप थोड़ी देर में मेरी गाड़ी पर भी देखेंगे, मेरी स्कूटी पर जो मैंने बुक करी थी। आप जैसे कि देख सकते हैं, जो मैंने उस रजिस्ट्रेशन में बताया था कि कैसे करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अब जाकर देख सकते हैं कि कैसे HSRP बुक की जाती है। उसके साथ देख सकते हैं आप, अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये लगा रहे हैं अभी। ये देखिए आप, यहाँ पर लग चुकी है। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने गाड़ियों की आवाज़ कम कर दी है थोड़ी। आप जैसे कि देख सकते हैं, लग चुकी है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ये अभी पीछे की लगी है, पीछे की थोड़ी बड़ी होती है। अब चाहे जो उसको ब्लैक कलर का फ्रेम में लगवा सक भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, वो उसके प्राइस होता है वहाँ पर, वो लेते हैं आपके हिसाब से, आपके स्टेट में बताएंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, अगर आपको लगवाना हो लगवा सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर ये नट बोल्ट वगैरह कस रहे हैं। उसके साथ साथ आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये अब आगे की लगाने जा रहे हैं। अब आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अब हमारी स्कूटी पे लग रही है प्लेट। आप जैसे कि देख सकते हैं, इन्होंने जो दूसरी प्लेट्स थी पहली वाली वो हटा दी हैं, तो वो मुझे बुरा तो लग रहा है, पर कोई बात नहीं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, आप ये हमारी प्लेट लगा रहे हैं। ये अब आपको भी लगाना पड़ेगी, नहीं तो चालान कट जाएगा, तो ज़रूरी है लगवाना। अपने नंबर प्लेट के बारे में मत सोचिएगा, जो आपको अपने मनपसंद से लगवाई थी। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, अब जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक मिनट का काम है, लग जाएगी। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बस ये बस कुछ इनके पास होता है, अब इस बस ये इनसे कसते हैं और एक मिनट का काम है, लग जाती है इस तरीके से। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, नंबर प्लेट लग चुकी है यहाँ पर आगे की। अब पीछे की भी लग जाएगी, पीछे की मैं दिखा देता हूँ कैसे लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीछे की भी नंबर प्लेट अब लग रही है, पीछे की भी इन्हें लगा दी है नंबर प्लेट हमारी। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसमें भी बस एक मिनट समय लगता है। तो आई होप दोस्तों आज समझ गए होंगे कैसे HSRP बुक करके कैसे लगवाई जाती है, कैसे लगाते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल आप एकदम नए चले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।